हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पोरस सीरियल की लॉन्चिंग के दौरान हुई अलेक्जेंडर और पोरस की एंट्री के बारे में, जो कि बेहद शानदार है। लेकिन उससे पहले आपको लक्ष्य लालवानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, लक्ष्य लालवानी के लिए ये सीरियल काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा, जहां पर इस सीरियल का बजट 500 करोड़ था और इंडियन टेलीविजन के सबसे महंगे सीरियलों में से एक रहा। ऐसे में इस सीरियल को करने के लिए लक्ष्य लालवानी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जहां पर इंटरव्यूज के दौरान कई बार लक्ष्य लालवानी ने हमें बताया है कि उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, घुड़सवारी सीखनी पड़ी, तलवारबाजी सीखनी पड़ी और अपने पूरे कैरेक्टर में घुसने के लिए उन्हें पूरी अपने लाइफ चेंज करना पड़ा। अपने आप में काफी ज्यादा बॉडी मेंटेन करनी पड़ी, काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़े, अपनी चाल ढाल को भी बदलना पड़ा, क्योंकि राजा का किरदार निभाने के लिए उन्हें एक अलग ही एटीट्यूड की जरूरत थी। तो ऐसे में काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा लक्ष्य लालवानी के लिए। लेकिन वहीं पर इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के दौरान और लॉन्चिंग के दौरान लक्ष्य लालवानी ने एक ऐसी बात कही जिससे काफी लोगों को शॉकिंग लगी हुई बात, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि पोरस सीरियल में काफी ज्यादा शानदार रोल निभाया लक्ष्य लालवानी ने और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे पहली बार कर रहे हैं कोई हिस्टोरिकल सीरियल या फिर किसी राजा के किरदार में काम। लेकिन पोरस सीरियल को करने से पहले लक्ष्य लालवानी को भी देना पड़ा था ऑडिशन। दोस्तों, ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि जो इतने शानदार कलाकार है उन्हें भी ऑडिशन देना पड़ा एक सीरियल के लिए, क्योंकि ये सीरियल 500 करोड़ का था। तो ऐसे में स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा ऑडिशन करवाया जाना तो बनता है, क्योंकि 500 करोड़ का सीरियल है, इसमें किसी भी कैरेक्टर को लेना वह काफी ज्यादा बड़ा रिस्क होता अगर सीरियल में किसी पुराने हिस्टोरिकल सीरियल में काम करने वाले एक्टर को लिया जाता। तो ऐसे में सीरियल में कुछ नयापन नहीं होता, लेकिन नयापन लाने के लिए उन्हें किसी नए चेहरे की जरूरत थी। और ऐसे में लक्ष्य लालवानी, जो कि पहले ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुके थे लेकिन कभी हिस्टोरिकल सीरियल में नजर नहीं आए, ऐसे में उनको फाइनल करना स्वास्तिक प्रोडक्शन को सही लगा और उनकी जो एक्टिंग थी वह काफी ज्यादा शानदार थी, ये हम सभी को पता है। तो ऐसे में उन्हें फाइनल किया गया सीरियल के अंदर। लेकिन इस ऑडिशन को देने से पहले लक्ष्य लालवानी ने भी हम इंटरव्यूज के दौरान कई बार बताया कि लक्ष्य लालवानी भी सोच रहे थे कि वे नहीं कर पाएंगे रोल, लेकिन फाइनली उन्हें इसका ऑडिशन दिया और उन्हें फाइनल कर लिया गया। और किस प्रकार से उन्होंने एक्टिंग की ये तो हम सभी को पता है और उनके फैंस जानते हैं। और अब कोई भी हिस्टोरिकल सीरियल क्यों ना हो, हम सब लक्ष्य लालवानी को ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ऐसी की। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप इसके लॉन्चिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। और अगर आप लॉन्चिंग का वीडियो देख लेते हैं तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिए कि आपको कैसा लगा। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।